जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार अभिलाष पांडे का भले पार्टी के कई कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले दिनों विरोध किया गया हो, लेकिन आज वो दोगुनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के गोल बाजार में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे अभिलाष पांडे का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अभिलाष ने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें यहां के कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार मिला है, उससे ये लग रहा है कि इस बार उत्तर मध्य सहित चारों विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय के बारे में जब हम कहते हैं तो ये कार्यकालय मतलब कार्य का मंदिर है, और आपने देखा होगा उत्साह से भरकर ये पूरा कार्यालय उत्साह से भरा हुआ है, और हम सब इसी कार्यालय से इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, युवा साथियों के, माताओं के साथ मिलकर हम इस चुनाव पर उतर रहे हैं, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा ये काम करने वाला। जिस चेयर के बारे में हम देखकर खुश होते थे, मैं आपको बताता हूँ, यदि दीदी को जितनी प्रसन्नता हुई होगी, इस भाई को भी जबलपुर का जब नाम रोशन हुआ तब उतनी प्रसन्नता हुई। एक बार जोरदार ताली हमारी दीदी के लिए। हमारे आदरणीय शैलेश जी भाई साहब, हमारे इस नगर निगम के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय रिंकू ब्रिज जी, हमारे आदरणीय हमारी बहन अश्विनी जी, हमारी विस्तारिका दीदी जो बाहर से अभी आई है, हम सब के दादा, और इनकी उंगली पकड़कर हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करना सीखे, ऐसे हमारे आदरणीय दीपांकर बैनर्जी जी, और जिन्होंने पूरे जबलपुर को हमेशा स्वच्छ, और लोग कहते थे कि जैसे वरुण भगवान होते हैं वैसे ही जबलपुर में स्थायी जल का काम करने वाले हमारे श्री राम भैया जी, जो नगर निगम के वर्षों तक जल की व्यवस्था करने का जिन्होंने काम किया। मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक और जिनके नेतृत्व में इस चुनाव को हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुधीर नायक जी, आदरणीय प्रमोद पटेल जी, हमारे मैं जब भी कभी कहीं मिलता था तो मोर्चा होगा, और मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं प्रवास में रहता था और लौट कर कभी आता था और आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी मिलते थे तो